नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। सर्द मौसम के बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सियासी पार्टियों के बीच बार पलटवार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर पलटवार किया है। बता दें कि प्रियंका ने विधानसभा चुनाव में मायावती की कम सक्रियता को लेकर एक इंटरव्यू में हैरानी जताई थी, जिस पर मायावती ने ट्विटर के जरिए प्रियंका गांधी पर कटाक्ष किया है। आइए आपको पहले सुनवाते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा था। एक कहीं ना कहीं इसमें एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है उस बात के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति से अगर कोई नजर डाले हम तो वहाँ तीसरा फैक्टर एक था बीएसपी। मायावती जी लगातार शांत है, नहीं कहते दिखाई दे रही, आप लोग भी, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ ये देख के कि बिल्कुल, मतलब हमने एक समय में 6-7 महीने पहले हम सोचते थे कि सक्रिय नहीं है उनकी पार्टी, सक्रिय नहीं है, हो सकता है कि चुनाव के पास आने के समय शुरू करेंगे, और लेकिन हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ कि चुनाव भी आ गया, एकदम चुनाव के हम बीच में हैं और फिर भी सक्रिय नहीं हुई, फिर भी बहुत, जैसे आपने कहा, बहुत शांत है, समझ में नहीं आता। वजह क्या लगती है मैम आपको, कुछ सोच पाए आप भी? हो सकता है कि भाजपा सरकार का दबाव हो उनपे। प्रियंका के इस बयान के बाद अब बीएसपी चीफ मायावती ने भी कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा, यूपी विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हाल बनी हुई है कि इनकी सीएम के उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें, बल्कि एकतरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट दें। यूपी में कांग्रेस जैसी पार्टियां लोगों की नजर में वोट काटने वाली पार्टियां हैं। ऐसे में भाजपा को यूपी की सत्ता से बाहर करके यहां सर्व समाज के हित में व इनके जाने पर ही नेतृत्व वाली सरकार की जरूरत है, जिसमें बीएसपी का स्थान वास्तव में नंबर वन पर है। वहीं प्रियंका गांधी के यूपी में कांग्रेस के सीएम फेस वाले बयान पर यूटर्न लेने के बाद बीजेपी ने भी उन पर निशाना साधा है। मायावती से पहले योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, और आज उस बात से पलट गई हैं, तो साफ है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, नारा उनका खोखला है, पहले आप अपने नारे को सिद्ध करके दिखाएं। बता दें कि प्रियंका गांधी ने संकेत दिए थे कि वो यूपी में कांग्रेस की सीएम फेस हैं, लेकिन इसके कुछ घंटों के बाद ही न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में इस बयान को उन्होंने वापस ले लिया, जिसके बाद दूसरी पार्टियों को उन पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।